हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केपी क्लासेस में इसके अंदर स्वागत है। और आज हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के जो शॉर्ट नोट्स का जो रिवीजन है उसका हम आज लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने ग्रुप्स के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है, और उसके जो ऑर्डर वगैरह था, ठीक है, अभिलिंग ग्रुप वगैरह था, सब कुछ ये हमने देख लिया था। और आज हम पढ़ेंगे साइक्लिक ग्रुप और जो भी ग्रुप है, जैसे Z1 के अंदर ग्रुप्स, Z2, ऑर्डर 3 के कितने ग्रुप बन सकते हैं, ऑर्डर 4 के, तो कम से कम एटलीस्ट 15 ऑर्डर तक के हम ग्रुप चेक करेंगे कि किस किस टाइप के ग्रुप का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, किस तरह से जनरेट होता है, कौन सा अबिलिन होता है, कौन सा नॉन अबिलिन होता है। तो कुछ शॉर्ट फॉर्मूले हैं, शॉर्ट ट्रिक्स है, वो भी हम आज इसमें चेक करेंगे। ठीक है, देखिए अब आते हैं हम साइक्लिक ग्रुप के ऊपर। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है कि इफ़ देयर एग्जिस्ट ए एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, कोई भी ग्रुप है उसके अंदर मान लो बहुत सारा एलिमेंट है, उसका कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा हो ए, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज जनरेटेड बाय ए, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट ए है इसके अंदर जो पूरे ग्रुप को क्या कर रहा हो, जनरेट कर रहा हो। अब सिंपल वे में ये बताऊँ मैं कि इस जी का ऑर्डर मान लीजिए कोई एन ऑर्डर है, ठीक है, इस जी का जो ऑर्डर एन है, एन का मतलब क्या है कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, एन है, तो इसके अंदर जो एन एलिमेंट है उसमें से कम एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जो जिसकी जो जिसका जो ऑर्डर है वो भी क्या आ जाए, एन आ जाए। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि इस ग्रुप का कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ले लिया ए, उसका ऑर्डर और इस जी का ऑर्डर क्या आ जाए, आपस में इक्वल आ जाए, तो वो जो एलिमेंट ग्रुप होगा वो क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा। सिंपल सा लॉजिक आपको याद रखना है कि ग्रुप का एक ऐसा मेंबर ले लिया ए, ठीक है, उस ग्रुप के मेंबर की और ग्रुप के ऑर्डर की जो दोनों की जो ऑर्डर है वो क्या है, आपस में इक्वल आ जाए, तो ये क्या कहलाएगा, साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन में तो यही बता रखा है, लेकिन मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया कि ग्रुप का ऑर्डर ले लो एक, जैसे ग्रुप का ऑर्डर मान लीजिए एन है, इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स में से कोई एक ऐसा एलिमेंट चूज कीजिए, वो तो सब चेक करेंगे, वन बाय वन एलिमेंट है, कोई एक ऐसा एलिमेंट आप मान लीजिए ए मिल गया और ए की पावर एन इक्वल टू ई आ गया आइडेंटी, ठीक है, यानी कि इस ए का जो ऑर्डर है वो भी कितना है, एन, तो इसका मतलब जो जी ग्रुप होगा वो क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा। क्यों, क्योंकि इस ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका भी ऑर्डर क्या है, ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। क्लियर है, ये देखो अब चलते हम आगे की तरफ। देखिए Z5 में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट 0, 1, 2, 3, 4 होता है, 0, 1, 2, 3 और 4, टोटल एलिमेंट कितने हैं, 5, यानी कि जो ग्रुप का ऑर्डर है वो कितना है, 5 है। अब इसमें से अगर कोई ऐसा एलिमेंट मिल गया हमें जिसका ऑर्डर भी कितना है, 5, तो ये जो Z5 है वो क्या होगा, साइक्लिक, अदरवाइज नॉट साइक्लिक। क्लियर है, अब देखिए सबसे पहले 0 तो आइडेंटिटी होता है, जिसका ऑर्डर कितना होगा, 0 का 1 होगा। अब 1 देखिए, 1 को 1 टाइम ऑपरेट करवाया, ठीक है, इसमें एक ही लिया हुआ है, देखिए 0, 4 लिया हुआ है, ठीक है, अब 0, 4 को देखिए, 1 × 4 किया तो 4 आ गया, यानी कि ये ग्रुप के अंदर ग्रुप का मेंबर है। 1, 2 × 4 किया, 8 आ गया, 8 पे जैसे ही मॉड्यूलो 5 यूज़ किया तो ये क्या दे दिया, 3, यानी कि ये 3 आ गया, 3 × 4 12 आ गया, जैसे ही मॉड्यूलो 5 यूज़ किया तो 1 × 7 हो जाएगा, फिर सेकंड टाइम यूज़ किया मॉड्यूलो 5 तो ये क्या आ गया, 2, तो ये 2 आ गया। इसी प्रकार से 4 × 4 16 में क्या आ गया, 1, और 20 में मॉड्यूलो 5 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि देखिए इस 4 का ऑर्डर भी कितना आ गया, 5, यानी कि ये जो ऑर्डर 4 है का 5 है और ग्रुप का ऑर्डर भी कितना है, 5 है, यानी कि जो मैंने अपनी लैंग्वेज में आपको बताया था कि ग्रुप का एक ऐसा एलिमेंट मिल गया है जिसका ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया, इसका मतलब ये जो जी है वो ग्रुप क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। क्लियर हो गया, और अकॉर्डिंग टू जो डेफिनेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि ये जो 4 है ये पूरे ग्रुप को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, यानी कि ये पूरे ग्रुप का कंस्ट्रक्शन अकेले कर रहा है। ये देखो ऑर्डर 4 की हेल्प से मैंने लिया, ये देखिए 4, 3, 2, 0, 1 सब कुछ आ गया, यानी कि जनरेट कर रहा है किसको, जी को, ठीक है। अब देखिए ये क्या कहलाएगा, ये जो 4 कहलाएगा ये जनरेटर कहलाएगा, किसका, जी का। क्लियर है, अब देखिए इफ़ जनरेटर ऑफ जी इज यूनिक, नो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 4 ही जनरेट कर सकता है, अगर इसके अंदर आपको एक ऐसा एलिमेंट और मिल जाता है जिसका ऑर्डर भी कितना है, जैसे मान लो 1 मिल गया, इसका ऑर्डर भी कितना है, 5, तो ये 1 भी क्या करेगा, पूरा ग्रुप को क्या करेगा, जनरेट करेगा, तो जनरेट यूनिक नहीं होते हैं, इसमें एक से अधिक मेंबर मिल सकते हैं, एक से अधिक जनरेटर मिल सकते हैं जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो। तो देखिए ऑर्डर 2
ऑर्डर वन, ऑर्डर थ्री और ऑर्डर फोर, इसके अंदर टोटल फोर एलिमेंट ऐसे हैं जिसका ऑर्डर क्या है, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है। इसका मतलब ये चार जनरेटर इसके अंदर अवेलेबल है, किसके अंदर, जेड फाइव के अंदर, ठीक है। टू बी है, वन बी है, थ्री बी है और फोर बी है, यानी कि टोटल फोर एलिमेंट है जेड फाइव के अंदर जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, यानी कि इसके अंदर कितने जनरेटर हो गए, चार जनरेटर हो गए। ऑल आर जनरेटर एक्सेप्ट जीरो, यानी कि जीरो का ऑर्डर कितना है, वन है, बाकी सभी का ऑर्डर कितना है, फाइव है, वन टू थ्री फोर, इन सभी का ऑर्डर कितना है, फाइव है, क्लियर है। तो जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ रहा है वो क्या कहलाता है, जनरेटर कहलाता है, ठीक है। अब देखिए और एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन स्पीकर जो भी देखिए, वन माइनस वन इज ए साइक्लिक, साइक्लिक यस, क्यों, क्योंकि देखिए माइनस वन का जो ऑर्डर होगा कितना हो रहा है, वन आ रहा है, वन कब आ रहा है, टू टाइम ऑपरेट करवाने पे, तो जो माइनस वन का ऑर्डर आ रहा है वो क्या आ रहा है, टू, जो कि ऑर्डर जी के इक्वल है। देखो जो मैंने अपनी डेफिनेशन बताई थी उसको यूज़ किया गया है, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट हमको मिल गया है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, इसलिए जो जी है, ये जो भी ग्रुप है जी, ये क्या होगा, साइक्लिक। अब देखिए इस जेड डैश के पास, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, जेड डैश के पास जनरेटर क्या होता है, वन और माइनस वन, ये जो इंटीजर का सेट है इसमें जनरेटर क्या क्या होते हैं, वन और माइनस वन, आप उसको याद रखना है, यानी कि माइनस वन पूरा ग्रुप को जनरेट करेगा और ये वन भी क्या करेगा, पूरे ग्रुप को जनरेट करेगा, ठीक है। अब देखिए ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी फॉर फाइनाइट ग्रुप, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ जी आ गया, ठीक है, ये अब ये वैलिड किसके लिए, ये भी आप देखिए, इनफाइनाइट ग्रुप के लिए वैलिड नहीं है, ये किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर फाइनाइट ग्रुप के लिए, ठीक है। अब देखिए कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कैसे, अब देखिए टू बिलोंग कर रहा है जेड डैश में, ठीक है, अभी जो जेड डैश का जनरेटर है ना, ये कितना है, ये साइक्लिक ग्रुप है, क्योंकि इसके अंदर एक ना एक ऐसा एलिमेंट हमको मिल रहा है जिसका, जो इस जेड डैश का क्या हो, जनरेटर हो। अब देखिए वन और माइनस वन इसके जनरेटर हैं और टू भी जेड के अंदर बिलोंग कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन जो टू है उसका ऑर्डर भी इन्फिनिटी है, उसका ऑर्डर भी इन्फिनिटी और जेड डैश के अंदर भी इन्फिनिटी ऑर्डर है, बट ये जो टू है वो इसको जनरेट नहीं करता है, आप टू से वन एलिमेंट नहीं ला सकते, क्लियर है ना। जैसे आपने टू जनरेटर आपका चल, मान लो कि टू जनरेटर है, तो इससे आप वन एंड माइनस वन का कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन वन से तो आप टू पे जा सकते हो ना, वन प्लस वन करोगे तो टू आ जाएगा, ठीक है, टू माइनस थ्री करोगे तो माइनस वन आ जाएगा, इस तरह से टू से आप वन पे नहीं आ सकते, क्योंकि टू से वन पे आने के लिए आपको क्या चाहिए, वन बाय टू, और वन बाय टू डज नॉट बिलोंग्स टू इन इंटीजर, क्लियर है ना। तो कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, तो ये थोड़े बहुत एग्जाम्पल है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ रिजल्ट हैं, जेड जेड एन क्या होगा, साइक्लिक होगा ऑलवेज, ये ध्यान रखिए। इफ जेड एन साइक्लिक है तो देखिए, इफ एंड ऑल इफ की कंडीशन साइक्लिक है तो अबिलिन होगा, और अबिलिन है तो साइक्लिक हो, ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए जेड एन इज साइक्लिक तो जो ग्रुप जेड एन होगा वो अबिलिन भी होगा, और अबिलिन है तो कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, नॉन अबिलिन है तो नॉन साइक्लिक होगा, ये आपको ध्यान रखना है। कैसे, एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, उससे आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। साइक्लिक है तो अबिलिन होगा, अबिलिन है तो साइक्लिक हो, वो जरूरी नहीं है, और नॉन अबिलिन होगा तो नॉन साइक्लिक, ठीक है। थोड़े डॉक्यूमेंट थोड़े इसमें फोटो थोड़े ब्लर है, बट ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आप उसको नोट आउट कर लीजिएगा। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ये के फोर क्लैन ग्रुप है, ठीक है, इसमें ईच ऑर्डर का जो एलिमेंट है, जो ईच एलिमेंट है उसका ऑर्डर कितना होता है, टू होता है, आइडेंटिटी को छोड़ के, ठीक है ना। तो के फोर में आपको मैंने जो कल अबेलियन की डेफिनेशन बताई थी, आप सेकंड वीडियो देख सकते हैं कि उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए के फोर है ना, के फोर में कैसे क्या एलिमेंट होते हैं, ई ए बी ए बी इस टाइप के, ठीक है। तो ए बी ए बी के ए बी ए कॉमा बी कॉमा ए बी, इनके तो ऑर्डर कितने होते हैं, टू, और जो आइडेंटिटी का ऑर्डर होता है वो वन होता है। तो यानी कि ऐसा ग्रुप जिसमें सारे एलिमेंट आइडेंटिटी को छोड़ के सभी का ऑर्डर अगर टू आ रहा है तो वो कैसा होता है, अबिलिन ग्रुप होता है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब देखिए अब अबिलिन तो है, अब के फोर में एक ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है जो के फोर के ऑर्डर के इक्वल आए, यानी कि के फोर का ऑर्डर कितना है, फोर, तो इसका एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका ऑर्डर कितना आ रहा हो, फोर, ठीक है। तो देखो यही लिखा हुआ है, तो साइक्लिक के लिए तो ये नेसेसरी कंडीशन है ना कि ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आए, ठीक है। और अबिलिन में ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अबिलिन में अगर आइडेंटिटी को छोड़ के सारे एलिमेंट्स का अगर ऑर्डर अगर टू हो जाए तो वो क्या कहलाता है, अबिलियन कहलाता है, एक तरह से। तो के फोर अबिलियन है बट नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर फोर, इसलिए ये साइक्लिक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा जनरेटर नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, जनरेटर नहीं मिल रहा है। और दूसरी भाषा में अगर बोलें तो ऐसा कोई भी ऑर्डर क्या कहते हैं उसको,
एलिमेंट नहीं मिल रहा है जिसका ऑर्डर क्या हो, ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल, यानी कि फोर नहीं आ रहा है। क्लियर है? अब देखिए जेड टू इंटू जेड टू नॉट साइक्लिक, ठीक है, क्यों साइक्लिक नहीं है? अब देखिए मैक्सिमम ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, फोर, और फोर ऑर्डर का इसके अंदर एलिमेंट एक भी नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? जेड टू इंटू जेड टू का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, फोर, लेकिन फोर ऑर्डर का इसके अंदर एलिमेंट एक भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं हम, कुछ रिजल्ट है आपको याद रखने, रिजल्ट है इंपॉर्टेंट। एस वन एस टू साइक्लिक है और एस एन, यानी कि एस वन एस टू साइक्लिक है, साइक्लिक है तो अभी लेना है। क्लियर है? अब एस थ्री के आगे के जो भी परमोटेशन ग्रुप है एस एन, वो साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक नहीं है तो वो अबिलियन नहीं है। अब किसके लिए, एन ग्रेटर दैन इक्वल टू थ्री के लिए, यानी थ्री से आगे के जितने भी ग्रुप आएंगे इसके वो सारे साइक्लिक नहीं है। डी वन साइक्लिक है लेकिन डी टू डी थ्री डॉट 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 सो ऑन, यानी डी एन इज नॉट साइक्लिक फॉर एन ग्रेटर दैन इक्वल टू टू। एस वन एस टू तो होते हैं लेकिन डी वन ही होता है, यहाँ पे डी टू नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए डी टू इंटू डी फोर, सॉरी जेड टू इंटू जेड फोर इज साइक्लिक, नहीं, क्यों नहीं होता है? अब ग्रुप का ऑर्डर देखिए कितना है, टू इंटू फोर कितना हो गया, एट। अब इसके अंदर अगर आपको एट ऑर्डर का एलिमेंट मिल गया तो साइक्लिक है, नहीं मिला तो साइक्लिक नहीं है, तो इसके अंदर आपको एट ऑर्डर का एलिमेंट नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा, देखिए इस जेड टू का पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या है, मैंने पहले लेक्चर में आपको बता रखा है पॉसिबल ऑर्डर कैसे होता है कैसे नहीं होता है, वो आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं, ये तीसरा या चौथा वीडियो है, तो इससे पहले कि आप सारे वीडियो देखोगे तो कंटिन्यू वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। जेड फोर का पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल ऑर्डर यानी कि जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करें, वन टू फोर। अब इसमें ऐसा आपको एक भी पेयर नहीं लग रहा है, ऐसा आप इसके अंदर ऐसा एक भी पेयर नहीं है जिसका एलसीएम किसके इक्वल आए, एट के इक्वल आए। अगर आप मैक्सिमम लोगे टू फोर का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, फोर आएगा। एट जिसका एलसीएम आए ऐसा कोई भी आपको पेयर नहीं मिलेगा, तो एलसीएम किसका, पेयर का, एट हो, नॉट पॉसिबल। तो ऐसा कोई भी ऑर्डर का एलिमेंट नहीं मिला जो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो तो क्या होगा, नो साइक्लिक। क्लियर है? अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब यूएन के बारे में चर्चा करते हैं। यूएन इज साइक्लिक, ठीक है, यूएन इज साइक्लिक, ठीक है। अब देखिए इसको समझाने का एक तरीका है कि जेड का एक पेयर हो, ठीक है, यूएन इज साइक्लिक, यूएन को हम देखिए हमने सेकंड क्लास के अंदर यूएन को जेड की फॉर्म में लिखने का फॉर्मूले कुछ ड्राइव किए थे, फॉर्मूले आपको बताए थे, यूएन से आप जेड की फॉर्म इसको कैसे लिखोगे, यूएन से आप जेड की फॉर्म इसको कैसे लिखोगे, तो उसके कुछ फॉर्मूले मैंने आपको सेकंड लेक्चर के अंदर बताए थे, तो वो सारे रिजल्ट आपको सेकंड लेक्चर से देखने हैं। तो जितने भी कंटिन्यू क्लास चल रही है ना, तो पहली क्लास का सेकंड क्लास के अंदर पहली क्लास का यूज़ होगा, थर्ड क्लास के अंदर सेकंड क्लास का यूज़ होगा, तो आपको सब एक ही क्लास कंटिन्यू देखनी है समझने के लिए, ठीक है। अब देखिए यूएन साइक्लिक है, अगर यूएन को अगर मॉडिफाई करें, सिंप्लीफिकेशन करें इसका, अगर जेड के अंदर ओनली फॉर एक पेयर आए, वन पेयर, तो ये साइक्लिक होगा, ठीक है। अगर दो पेयर आ गए किसके अंदर, जेड और जेड इस टाइप के, ठीक है, वो तो चेक करेंगे, इसको ओपन करेंगे फॉर्मूले की हेल्प से। अगर दो पेयर आ गए तो हम चेक करेंगे, अब वो एग्जांपल कैसे, देखिए ये वाला दो, देखिए ये पेयर आ गया था ऐसा, ये देखिए ये दो पेयर आ गए थे, तब हमने इसको चेक किया कैसे, जो भी पॉसिबल ऑर्डर है उसका पेयर बनाया और ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल ऐसा कोई एलिमेंट मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो साइक्लिक नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये रहा पॉसिबल ऑर्डर की तरह इसको चेक करेंगे, अब वो एग्जांपल, अब देखिए नीड नॉट डिपेंड अपॉन एन, ये थोड़ा ध्यान रखना, इसके एन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यू एन इज साइक्लिक इफ एंड ऑनली इफ, अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यू एन इज साइक्लिक इफ एंड ऑनली इफ एन इक्वल टू वन और टू, एन इक्वल टू वन और टू और फोर और पी टू द पावर एम, पी यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर है, ऑड प्राइम है, ठीक है, और टू इंटू पी टू द पावर एम, एम पी इज प्राइम ऑड प्राइम एंड एम इज पॉजिटिव इंटीजर, अगर ये सब होल्ड करे तो यू एन क्या आएगा, साइक्लिक होगा। एन इक्वल टू क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, टू होना चाहिए, फोर होना चाहिए, या पी टू द पावर एम, पी क्या है ऑड प्राइम है और एम क्या है पॉजिटिव इंटीजर, या टू इंटू पी टू द पावर एम, ये सारे रिजल्ट आप उसको कॉपी में नोट आउट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब वो एग्जांपल क्या किया था अपने, जेड टू इंटू जेड फोर साइक्लिक नहीं है, ठीक है। अब देखिए कैसे नहीं है, अब इसका अगर यू की फॉर्म में देखो, जैसे मान लो यू 15 है, ठीक है, यू क्या है 15 है, ठीक है। तो अब देखिए हम इस एग्जांपल को देखते हैं जिसमें यू 15 है, क्या है यू 15, तो इसको देखिए इसके प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, थ्री और
फाइव, इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब जो पिछले जो लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करके आपको सेंड किया अपलोड किया था, उसमें आप इसको चेक कर सकते हैं कि यू से आपको जेड की फॉर्म कैसे मिलेगी। उस फॉर्मूले को आप चेक कर लेना, उसमें इसको जेड टू लिखते हैं और इसको लिखेंगे जेड फोर। आप प्लीज़ पिछले लेक्चर को देखिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी या प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई बटन पर आपको उसकी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जो भी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के शॉर्ट नोट्स चल रहे हैं अभी उसकी प्ले लिस्ट, ठीक है। तो उसमें क्या जेड टू इंटू जेड फोर है, तो आप देखिए अभी हमने ऊपर चेक किया है कि इसमें एट ऑर्डर का एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। तो डज नॉट एग्जिस्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, ऐसा एलिमेंट जिसका ऑर्डर एट हो और जो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो, ऐसा एलिमेंट उस ग्रुप के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो क्या होगा, नॉट साइक्लिक, ठीक है। अब देखिए, अब हमने क्या कहा था कि देखिए इसको हम मॉडिफाई करें, अगर जेड का ओनली फॉर वन पेयर आए तो साइक्लिक है, टू पेयर आएंगे तो चेक करना पड़ेगा उस ऑर्डर का एलिमेंट उस ग्रुप के अंदर है या फिर नहीं है, क्लियर है ना। अब देखिए U27, इसको हम लिखते हैं U3 की पावर 3, इसको थोड़ा मॉडिफाई किया पिछले फार्मूले की तरह, यानी कि जो पिछले लेक्चर के अंदर फार्मूला आपको वहाँ प्रोवाइड करवा रखा है, ये कि आ गया Z18, यानी कि एक ही पेयर आ रहा है, तो आप उसको क्या करोगे, सीधा सा टिक करोगे साइक्लिक के फॉर्म में, क्लियर है। अब देखिए U100 को क्या लिखोगे, मॉडिफाई करोगे तो Z20 इंटू Z2 आ जाएगा। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 40 है, 20 इंटू 2 40। अब देखिए इसका एक भी ऐसा पेयर नहीं है जिसका जो एलसीएम ले वो कितना है, 40 है। अब देखिए इसमें सबसे बिग नंबर कौन सा है, 2, इसमें बिग नंबर कौन सा है, 20। अब इसका यही सबसे बिग पेयर है जिसका एलसीएम क्या आएगा, मैक्सिमम। तो इस ग्रुप के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 ऑर्डर का एलिमेंट हो सकता है, उससे ज़्यादा इसके अंदर ऑर्डर का एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, ये भी साइक्लिक नहीं है क्योंकि इसके अंदर 40 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है, क्लियर है चीज़ें। अब देखिए कुछ और एग्जांपल है ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए, सब कुछ है एक ही मल्टीपल के अंदर, ठीक है। अब देखिए Z8 Z3 U7 into US2, ठीक है। अब देखिए U7 को हम क्या लिख सकते हैं, Z6। तो आपको कैसे लिखना है ये सब पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर जाके आप देखिए वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अब इसके अंदर Z8 आ रहा है, Z3 आ रहा है, Z6 आ रहा है और S2 तो हमेशा साइक्लिक होता है, बट हमें अदर मेंबर भी इसमें ग्रुप के अंदर चेक करने पड़ते हैं। अब देखिए कैसे चेक करते हैं, ये दो ग्रुप हो रहे हैं जिसमें 3 और 6 का जो GCD है वो 1 नहीं आ रहा है, GCD कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, नॉट साइक्लिक, क्लियर है, ठीक है ना। तो आप देखिए कुछ रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये देखिए, एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n किसके सिमिलर होता है, Zn के इक्वल होता है, ठीक है। एवरी इन्फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप सिमिलर होता है Z इंटीजर के इक्वल, ठीक है। Zm into Zn ये दो कोई ग्रुप हैं, साइक्लिक होगा इफ एंड ऑल इफ इन दोनों के बीच का GCD कितना है, 1 आए। इसी थ्योरम को मैंने यहाँ यूज़ किया है। अब देखिए यहाँ Z6 का फॉर्म क्रिएट कर रहा है U7 और दूसरा है Z3। अब इसका जो GCD आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3, क्योंकि 3 और 6 का GCD कितना आ रहा है, 3, ये 1 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो हम सीधा इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्या कहेंगे, ये साइक्लिक नहीं है, क्लियर है। अब देखिए जैसे Z3 और Z5 है ना, इसका GCD कितना आ रहा है, दोनों का 1 आ रहा है, तो हम इसको एक ही फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं, Z15, क्लियर है। यानी कि ये क्या हो गया, साइक्लिक ग्रुप हो गया। अब देखिए और इसको अगर चेक करना हो तो देखिए कैसे चेक कर सकते हैं, इसमें देखिए 8, 3, 6 और 2। अब देखिए ये 24 हो गया एलसीएम इसका। अब ऑर्डर जो जी का है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 24 हैज जी डज नॉट हैव एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ग्रेटर दैन इक्वल टू 24, तो सो नॉट अबेलियन। ये भी आप इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही लंबी PDF है, थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप पूरा वीडियो लेक्चर को देखिए, पुराने वीडियो लेक्चर को भी आप देखिए, ताकि उससे आपका जो कंटिन्यूटी बना रहेगा और कंसेप्ट आपके क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए इफ़ जी इज़ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर प्राइम ऑर्डर, अगर कोई ग्रुप है प्राइम ऑर्डर का है, जैसे मान लीजिए Z3, Z2, Z7, Z11, Z13 इस टाइप का, ठीक है, तो जी क्या होगा, ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप होगा, क्लियर है। अब देखिए क्यों होगा, अब देखिए ये भी बता दो आपको, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, पी है, तो इसके जो पॉसिबल ऑर्डर होंगे वो क्या होगा, 1 और P होगा। ऐसा कोई जो प्राइम नंबर है उसका पॉसिबल फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 और P होगा ना। अब देखिए 1 तो किसका होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट का, किसका होगा, 1 ऑर्डर होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट का होगा। इसके अलावा जो भी बाकी मेंबर होंगे उसका ऑर्डर क्या होगा, P होगा, सीधी सी बात है।
क्योंकि ऑर्डर के एलिमेंट वही होंगे जो ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। तो पी को डिवाइड कौन करेगा, इट्स सेल्फ करेगा पी, क्योंकि पी एज ए प्राइम नंबर। तो देन देर एग्जिस्ट मस्ट बी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी इन जी, तो जी क्या हो जाएगा, साइक्लिक। यानी कि आइडेंटिटी को छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट होंगे इसके अंदर उन सभी का ऑर्डर क्या होगा, पी होगा, यानी कि इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, मस्ट लिखा है ना, यानी कि करेगा ही करेगा, ठीक है। तो आप देखिए जैसे जेड सेवन ले लीजिए, तो सेवन प्राइम है तो सेवन इंटू वन, यानी कि सात ऑर्डर का इसके अंदर एलिमेंट होगा, तो जी क्या हो जाएगा, साइक्लिक। देखिए जैसे एग्जांपल ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 11, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू इज 29, इस टाइप के, ठीक है। अब देखिए जी इज साइक्लिक और ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन सिमिलर टू जेड एन, ठीक है। और इसके अंदर नंबर ऑफ जनरेटर कितने होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, फाइ एन, ठीक है। जैसे हमने ऊपर कुछ एग्जाम्पल किए थे तो उसमें हम ये वाला नोटेशन यूज़ करके, फॉर्मूला यूज़ करके डायरेक्ट इसमें आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जेड फाइव था उसमें जनरेटर कितने आए थे, टोटल फोर जनरेटर था, कौन कौन सा था, वन टू थ्री एंड फोर। अगर हम इस पर यूज़ करें फाइव ऑफ फाइव तो कितना आएगा, फोर। कैसे, फाइव की पावर वन माइनस फाइव की पावर ज़ीरो, तो फाइव माइनस वन कितना आ गया, फोर आ गया, क्लियर है। अब देखिए और आगे बढ़ते हैं, हम इसमें कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए आपको ये नोट्स बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। मैं कंटिन्यू इस पर लेक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। और ये मेरा शायद आई थिंक तीसरा या चौथा लेक्चर है, किस पे, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पे, ठीक है। और अगर मैं रियल के नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ एज ए शॉर्ट नोट्स, ताकि वो एग्जाम से पहले बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए, ठीक है। और जैसे जैसे कुछ क्वेश्चन होंगे तो उसका भी सॉल्यूशन मैं आप सभी को प्रोवाइड करूँगा, और टेलीग्राम ग्रुप की हेल्प से भी मैं आपको वहाँ क्विज वगैरह अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, चैनल को कीजिए, ग्रुप को कीजिए, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी डिस्कशन कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या कह रहा है कि इफ़ G1 एंड G2 आर साइक्लिक एंड G1 इंटू G2 नीड नॉट बी साइक्लिक। कैसे कि अगर दो ग्रुप है साइक्लिक है तो उसका जो क्रॉस होगा वो भी साइक्लिक हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कैसे, Z2 इंटू Z4, अब Z2 साइक्लिक है, Z4 भी साइक्लिक है, बट Z2 इंटू Z4 साइक्लिक नहीं है। क्यों नहीं है, उसका रीज़न मैंने आपको ऊपर बताया था कि इन दोनों के बीच का GCD कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बात क्या बताई थी मैंने आपको कि इसका ऑर्डर कितना है, 8, तो 8 ऑर्डर का एलिमेंट इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये देखो मैंने रिजल्ट यहाँ लिख दिया वापस, पॉसिबल इफ एंड ऑल इफ GCD ऑफ MN इक्वल टू 1। इसका GCD बना रहा है, ये साइक्लिक है। इसका GCD 6 और 18 का कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा। इसमें 5 और 19 का क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये हो जाएगा, क्लियर है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें देखो एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती है, ठीक है, वही हमारे एग्ज़ाम को ही नया पार लगाते हैं, ठीक है। तो इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए चीज़ों पर, ठीक है। अब देखिए अच्छा एग्जाम्पल है, जी बराबर K4 इंटू D2 है, क्लियर है। अब देखिए अब हम जानते हैं कि D2 तो ऑलवेज साइक्लिक होता है, नहीं D2 साइक्लिक नहीं होता है। देखिए साइक्लिक मैंने अभी आपको थ्योरी में बताया था, S1 S2 साइक्लिक होता है, ओनली फॉर D1 साइक्लिक होता है, ठीक है। इसके बाकी के आगे के साइक्लिक नहीं होते, इसके आगे के बाकी के साइक्लिक नहीं होते। K4 कैसा होता है, ये होता है अबेलियन, कैसा होता है, अबिलियन, साइक्लिक नहीं होता ये खाली अबिलियन होता है, ठीक है। अब देखिए D2 है ये साइक्लिक नहीं होता लेकिन अबिलियन होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना। अब देखिए ये अबिलियन, ये अबिलियन, तो ओवरऑल अबिलियन हो गया, क्लियर है। K4 इंटू D2 हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1, गलत, ऑर्डर 1 का एलिमेंट तो आइडेंटिटी हो गई होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, ऑर्डर 1 का एलिमेंट कौन होगा, आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, ऑलवेज 1 होता है, तो इसके अंदर एलिमेंट तो होगा, कौन होगा, आइडेंटिटी, क्लियर है। अब देखिए K4 इंटू D2 इज़ नॉट साइक्लिक, क्लियर है, ये भी साइक्लिक नहीं है, ये भी साइक्लिक नहीं है, बट दोनों अबिलियन है, तो ये साइक्लिक नहीं है, ठीक है। K4 इंटू D2 इज साइक्लिक, नहीं ये साइक्लिक नहीं है, ठीक है। अब देखिए K4 इंटू D2 हैज़ ईच एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, नहीं गलत है, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें आइडेंटिटी भी तो है, जिसका एलिमेंट कितना है, 1 है, बिकॉज आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना है, 1, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट, क्या कहा इसने कि हैज़ ईच एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, ये रॉन्ग हो गया, क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन, जी हैज़ नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 2, क्लियर है। अब देखिए K4 के अंदर आपको याद रखना, K4 के अंदर ईच एलिमेंट आइडेंटिटी को छोड़ के उसका ऑर्डर का एलिमेंट कितना होता है, 2 होता है, और D4 के अंदर भी क्या है, 2 ऑर्डर का एलिमेंट होगा या 1 ऑर्डर का होगा, इसके आगे तो जा नहीं सकता वो, तो यानी कि इसके अंदर आइडेंटिटी का तो 1 ऑर्डर है और बाकी जितने भी एलिमेंट है उसका ऑर्डर कितना है, 2 ऑर्डर है, क्लियर है। ये देखिए तो इसके आगे 2 ऑर्डर का एलिमेंट होगा इनमें, इसके आगे तो नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 2, ये सही हो गया ना एक तरह से,
ठीक है। आप देखिए यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है डी टू के अंदर ऑर्डर कितना आएगा, वन और टू हो सकता है। डी फोर के अंदर भी ऑर्डर कितना है, वन और टू। तो टू ऑर्डर का एलिमेंट इससे बड़ा थ्री ऑर्डर फोर ऑर्डर का एलिमेंट इसमें पॉसिबल नहीं है, तो ये करेक्ट हो गया। और इसका जो ऑर्डर होगा कम्प्लीट 16 16 होगा कि नहीं होगा चेक करते हैं। के फोर का ऑर्डर कितना है, फोर। डी टू का ऑर्डर क्या होता है, टू एन। कितना होता है, टू एन। तो टू इंटू टू कितना हो गया, फोर। ये फोर हो गया, ये 16 हो गया। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। क्लियर है, ये क्वेश्चन हमारा ये हो गया। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा, कोई बात नहीं। चाहो तो आप, मैं नेक्स्ट क्लास को मैं थोड़ा, इस क्लास को मैं थोड़ा बाद में ले लूँगा, इस क्लास को मैं कल ले लूँगा। ठीक है, तो आज तक हम इसको ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो हमारा हो गया था, ये हो गया। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है जी बराबर यू टेन। तो यू टेन के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, वो एलिमेंट जो 10 के साथ क्या हो, जी सी डी 1 बना रहा हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 1 आएगा। 2 के साथ जी सी डी 10 का क्या होता है, 2 होता है, 1 नहीं हो रहा है, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 5 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा। ठीक है, आप चाहो तो दूसरी लैंग्वेज में 5 10 भी निकाल के चेक कर सकते हो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब देखिए पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन फर्स्ट है, इज 3 जनरेटर ऑफ यू टेन। अब देखिए इस ग्रुप है, इसका ऑर्डर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अगर मैंने 3 का ऑर्डर अगर 4 मिल गया हमें, तो ये इसका जनरेटर होगा। सीधी सी बात है कि जो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर आ गया, तो वो उसका क्या कहलाता है, जनरेटर। अब देखिए 3 की पावर 1 3, 3 का पावर 2 9, 3 का पावर 3 कितना होता है, 27। जैसे इस पर मॉड्यूलो 10 यूज़ करेंगे तो ये किस में 10 चेंज हो जाएगा, 7 पे। 3 की पावर 4 क्या होता है, 81 होता है। 81 का जैसे मॉड्यूलो 10 यूज़ करेंगे तो 10 इंटू 8 80, 80 माइनस हो जाएगा तो ये कितना आएगा, 1। यानी कि आइडेंटिटी आ रहा है, कितनी बार ऑपरेट किया इसको, 4 टाइम। तो इसका ऑर्डर 4 आ रहा है, ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ रहा है, तो 3 क्या है, जनरेटर है। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से 7 है कि नहीं है, 7 का भी चेक करेंगे। 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 2 49, 7 इंटू 3 343, 7 पावर 4 तब ये जाके क्या देगा, 1 देगा। यानी कि आप 343 को 7 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, जो भी आएगा उसमें फिर अपन मॉड्यूलो 10 यूज़ करेंगे, यानी कि 10 टाइम उसको लेस करेंगे तो ये कितना आएगा, 1 बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, तो 7 का ऑर्डर भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, 3 का इन्वर्स 7, 3 का इन्वर्स 7। तो देखो इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए स्टार ए इन्वर्स बराबर आइडेंटिटी मिलता है हमें। तो देखिए 3 इन्वर्स कितना है, 7। तो 3 इंटू मल्टीप्लाई ऑपरेट चल रहा है, 7 कर दीजिए, कितना आ गया, 21। जैसे मॉड्यूल यूज़ करेंगे 10 का, तो ये कितना आ गया, 10 टू टाइम 20, 20 माइनस हो जाएगा तो ये कितना आएगा, 1। यानी कि आइडेंटिटी मिल रहा है हमें, तो यानी कि 3 इन्वर्स से 7 का एकदम करेक्ट आंसर है। यानी कि देखिए 3 इंटू 7 21, 1 आइडेंटिटी, और ए स्टार ए इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी। ठीक है, तो देखो ये थी आज की हमारी क्लास, और नेक्स्ट क्लास में हम, देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सा ग्रुप, ये सारे ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। ये देखिए कि किस टाइप से, ये देखिए कि किस टाइप से जो 8 ऑर्डर का ग्रुप है उसमें इतने सारे ग्रुप पॉसिबल होते हैं, और कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें कितने अबिलियन है, कितने अबिलियन नहीं है, तो सारा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और इसी तरह की क्लास के लिए प्लीज़ कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा से व्यू दीजिए, और जो देखिए कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको प्लीज़ ये लेक्चर प्रोवाइड करवाइए। ठीक है, आपके फ्रेंड्स हो, कोई मित्र हो, तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प हो सके। देखिए इसके अंदर मैंने सफिशियंट मैटर लिया है, और आपको ईजी तरीके से समझाने की कोशिश की। देखिए ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में समझने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, जनरेटर क्या होता है, साइक्लिक कब होता है, तो सारा चीज़, सारी जो डिटेल है वो मैंने एकदम इजी एक्सप्लेन करके आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर प्रोवाइड की है। तो जितना ज़्यादा उसके वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह का वीडियो लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा, और इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, तो आज यहाँ तक देखिए आप, और आई बटन पर जाके वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की जो लिंक है पुराने वीडियोस की, 2-3 वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, उनकी प्लेलिस्ट की लिंक है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो पहले आप उन, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले प्लीज़ जाके वो पुराने लेक्चर देखिए, तब जाके वो आपको कंटिन्यू याद रहेंगे, समझ में आएंगे। अदरवाइज आप सीधा इस वीडियो पर टूट पड़ोगे तो आपको कुछ ही समझ में नहीं आएगा। तो बेसिक है वो सब कुछ मैंने पहले लेक्चर और सेकंड लेक्चर के अंदर अपलोड कर रखा है। ठीक है, और जिसकी ग्रुप की लिंक है, उसकी जो प्लेलिस्ट की लिंक है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। ठीक है,
और जो भी इस चैनल पे नया है तो पहले चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।